राम कथा लिखी हरि अनंत हरि रामायण की टिकट ही ली है ना। Hey fam, what's up? I am Mughal Khandelwal. Welcome back to my new channel. So guys, आज इतने long time जब मैं vlogging कर रहा हूँ, मुझे एक महीना हो गया vlog करे हुए। एक महीने पहले मैंने vlog डाला था, last जब मैं movie देखने गया था Fast and Furious X। और guys, आज मैं vlog डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे exam चल रहे थे, इस चक्कर में vlog नहीं कर पा रहा था और फिर जा भी नहीं पा रहा था। तो आज मेरे फाइनली एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब जिस चीज़ का मुझे वेट था कि आदिपुरुष मूवी रिलीज होने वाली है, वो रिलीज हो चुकी है कल। और गाइज आज मैं जा रहा हूँ मूवी का सेकंड डे फर्स्ट शो देखने के लिए। हर मूवी का मैं फर्स्ट शो देखता हूँ, लेकिन इस मूवी का मैं सेकंड डे फर्स्ट शो देखने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि वेट करते हैं मूवी का रिव्यू कैसा आता है, लेकिन गाइज मूवी की रिव्यू तो बहुत ही खराब आ रहा है। और चलो फिर हम भी जाके देखते हैं और कैसे है, बताते हैं आपको कि कैसे है मूवी और आपको भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। देखो बारिश हो रही है बाहर तो, और इतने प्यारे मौसम में मूवी तो बनती है और वो भी आदिपुरुष। तो चलो चलते हैं फिर देख के आते कैसे। चलो भाई अक्को मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की पीछे से, ठीक है? अपना खाना वाला खा लेना और दूध दूध पी लेना, वो रख दिया, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ओके पहुंच गए हैं थिएटर, थोड़ा चलते हैं जल्दी से अंदर, देखते हैं जो बंदे बोल रहे थे रिव्यू में कि आगे पूरी ऐसी है और हम भी देखते भाई कैसी है। तो चलते हैं जल्दी से। चलते जल्दी से ऊपर। ये वाले थिएटर में जब भी आओ ना सीढ़ियां इतनी होती है कि चलते चलते ऊपर बंदा फंस जाता है, पूरी परिक्रमा लग जाती है चलते चलते ऊपर। भारतवर्ष का इतिहास इंटरवल। और गाइस मूवी ठीक ठाक है, स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हैरी पॉटर की कोई मूवी देखने आया, तो स्टार्टिंग में बैठा ऐसे लग रही जैसे कोई हैरी पॉटर की लॉर्ड वोल्ड होना है, कुछ कुछ सीन मुझे ऐसे लगे स्टार्टिंग में। और अब इंटरवल हुआ, एवरेज ये मूवी। और गाइस कुछ कुछ बीच में सीन ना बिल्कुल बेकार, VFX का तो बस नाम पूछो, बाकी एवरेज है मूवी। अगर आपको देखनी है तो देख लो, बाकी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी एवरेज है। कुछ कुछ सीन बीच में बोरिंग भी है तो बिल्कुल। और रावण के लगता तो थैनोस की एसगार्ड बना है बिल्कुल लग सकता है, इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। पर देखते हैं चलो है तो मेरे को तो बिल्कुल खा से गाइज आ गया हूँ मूवी देख के। और गाइज मूवी मेरे को अच्छी नहीं लगी। गाइज इंटरवल के बाद तो देखनी मुश्किल होगी, जितनी देखते नींद आने लग गई गाइज, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, पता नहीं क्यों। और अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा जैसे एवेंजर एंडगेम दोबारा देखने आ गया गाइज, वो मज़ा नहीं रहा। बंदे सही करते, 600 करोड़ बेकार है मेरे में। और रिव्यू तो मैं फिर घर जाके देता हूँ। अभी गाइज भूख लगी थी तो आए हैं वैन पे, ये वाली वैन बहुत अच्छी बनाते हैं गाइज चौपे, तो इस पर आए अभी। चलो गाइज खा लिया है जो भी खाना था, चाइनीज वाइनीज जो भी खाना था वो खा लिया है। और थोड़ा सारा लगा वरना अंदर बैठ के इतनी तेज भूख लग रही थी ना, तो नींद भी आ रही, पता नहीं मूवी कैसी मुझे तो समझ नहीं आ रही,
इतनी इतनी नींद आने लगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैंने कम पता नहीं कितनी मूवीज देख ली है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे अंदर बैठ के नींद आ रही है और मैं यार कब खत्म आई है, मैं घर जाऊँ ऐसा होता है। एक तो भूख भी लग रही, फिर मैंने कहा यार क्या बोल। गाइस मैं मूवी देख के आ गया और गाइस अब आपको रिव्यू बताता हूँ मूवी का कैसा है। गाइस मूवी का रिव्यू, एक मिनट पहले गेट बंद कर। गाइस मूवी का रिव्यू ऐसा है, मूवी आप ना जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गाइस जब आप जाओगे ना आपको गुस्सा आएगा। अगर आपने पुरानी रामायण देख रखी होगी ना तो आप सोचोगे कि यार ये मैंने रामायण की टिकट ही ली है ना, कोई और टिकट तो नहीं ले रही। गाइस आप पहले देखोगे कि मैंने रामायण की टिकट ली है ना, हाँ, क्योंकि गाइस आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हॉलीवुड मूवी देखने आए हो बिल्कुल। और जो इतने हॉलीवुड मूवी देख रखी होगी ना, 3D में जो हॉलीवुड मूवी का फैन होगा वो पहली देखते ही बोल देगा या तो मैं हैरी पॉटर देखने आया हूँ स्टार्टिंग में, फिर आगे जाके बोलेगा मैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने आया हूँ, फिर एंड की फाइट तो ऐसे लगेगी जैसे मैं एवेंजर एंड गेम देखने आया हूँ क्या है। कोई थिएटर वाले ने गलत मूवी तो नहीं लगा दी? गाइस बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था मेरे को। मैं 1% ये नहीं देख के आया कि मैं रामायण देख के आऊँ, 1% ऐसा नहीं लगा मेरे को। डायलॉग से लेके सब कुछ से लेके एक्टिंग से लेके VFX से लेके, और गाइस VFX की तो बात ही छोड़ दो, एक भी जगह इन्होंने रियल शूट नहीं करा, पूरी ग्रीन स्क्रीन में इन्होंने पूरी मूवी बना दी। चलो वो भी ठीक है, जो भी करा इन्होंने अच्छा करा, कुछ नया दिखाने की कोशिश करी, लेकिन गाइस नया ऐसा तो दिखाओ, रियल स्टोरी तो दिखाओ, ये थोड़ा ना अपनी तरफ से रामायण तुमने बना दी। गाइस लोगों ने बोला था इसके डायलॉग के, डायलॉग हनुमान जी के डायलॉग बहुत गंदे थे। गाइस मुझे डायलॉग जो डायलॉग से ज्यादा ना हनुमान जी गंदे लगे इसके अंदर। गाइस कोई वो ही नहीं है, कभी कम से कम अच्छा मेकअप भी कर लेते यार, कम से कम अच्छा तो बनाते हैं उनको। गाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे को हनुमान जी ना, सब नहीं बचपन से वो देखा है जो सर पे मुकुट होता है और थोड़े अच्छे से। गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेन चीज डायलॉग, चलो हमने डायलॉग भी झेल लिया, जो भी झेल लिया झेल लिया हमने, लेकिन तुम कास्ट तो अच्छी लगो। गाइस उन्होंने कास्ट तक अच्छी नहीं लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा मूवी में। गाइस लगी नहीं, अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी या कोई रामायण देखने जा रहे आप ऐसा लगा कोई हॉलीवुड मूवी देखने जा रहे हो, डायरेक्ट डायरेक्टर ने कभी क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ने कभी रामायण नहीं पढ़ी, सबसे मेन डायरेक्टर ने कभी रामायण नहीं पढ़ी, डायरेक्ट ने पढ़ी है खाली एवेंजर्स एंड गेम देख ली, प्रभास की बाहुबली देख ली, प्रभास ले लिया और वहां से स्टोरी ले ली। अगर कुछ आप नोटिस करोगे ना मूवी देखोगे तो कुछ में देखना बीच बीच में ऐसा लगेगा जैसे एंड गेम में नहीं चलती वो धुन बस्ती है फाइट वाली, आक्रमण ऐसा लगेगा बिल्कुल, ये क्या हुआ ऐसे में। जब इन्होंने बोला ना जैसे आखिरी में युद्ध होता है उसमें बोलते आक्रमण, जैसे एवेंजर्स एंड गेम बोलते आक्रमण, मेरे को तो पूरा ऐसा लगा, मैंने कहा भिड़ गई आज तो भिड़ गई। मूवी तो बिल्कुल ही बेकार है, आप लोग मत जाओ, मैं भी बता रहा हूँ पैसा वेस्ट है, कुछ नहीं है, पुरानी वाली देख लो वो ज्यादा बेटर है। वरना ना जो नए बच्चे जा रहे हैं ना जिन्होंने कभी रामायण नहीं देखी उनको भी दिखाओगे ना वो तो कंफ्यूजन हो जाएगी उनकी बहुत ज्यादा, इसलिए गाइस आप लोग मत जाओ, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी मिलेगी। सबसे मेन चीज मैं बताने भूल गया गाइस, सबसे मेन चीज डायरेक्टर ने क्या बोला था कि एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखना। भाई शुक्र है हनुमान जी के लिए खाली नहीं रखे, वो ये मूवी देखते ना तो वो अपने गधों से उठा के ना सीधा उनके सर पे मारते डायरेक्टर के कि भाई तूने क्या बना दिया, हमारे राम जी की क्यों बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो हमारी पुरानी रामायण देख लेता वो ज्यादा अच्छी थी, जस्ट आप लोग जो सिया के राम आते वो ही देख लो, वो देख लेता पहले तब मूवी बना लेते, 3-4 बार रिपीट करके देख ले कम से कम देख तो लेता कि क्या है, रामायण का राम सूतिया बना दिया आदि पुरुष। मेरे तो दिमाग घूम रहा है, 3 घंटे की पिक्चर, मैं सोचा 3 घंटे में कुछ तो दिखाएंगे, इंटरवल के गाइस भाग, इंटरवल के बाद ना मेरा मन कर रहा है जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना मूवी से सारी की सारी बेकार कर, इतना अजीब सा मूड हो रहा है ना, मैंने कहा पता नहीं यार क्या देख के आ गया आज मैं यार, इससे अच्छा मैं घर पे बैठ के एक वेब सीरीज देख लेता नेटफ्लिक्स पे, जो भी करे अपना खुश होती है लाइफ इनकी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बहुत अच्छी लाइफ होती है गाइस इनकी। बस ये है जब ये बीमार होते ना तब उनसे इनसे ज्यादा हमें दुख होता है कि यार ये क्यों बीमार होता है। अभी भी गाइस ये 2-3 दिन में ठीक हुआ है कि बीमार हो गया था, खाना वाना नहीं खा रहा तो बीमार हो गया था, अब देखो अब थोड़ा फ्रेश है और अब सही खेल रहा है। और गाइस टेंशन हमें हो जाती है कि यार इसको क्या हो गया है, खाना वाना क्यों नहीं खा रहा, बुखार क्या है, टेंशन हो जाती है, फिर डॉक्टर वाले के जाओ डॉक्टर बोलता है कि कोई नहीं ठीक है,
तब जाके थोड़ी राहत आती है, वरना तब तक तो टेंशन हो जाती है। और जब भी खाना वाना नहीं खाता बीमार हो जाता है। देखना भागता भागेगा, ओए जल्दी आ गया आ गया आ गया आ गया। सो गाइस मम्मी निकाल रही है मौसमी का जूस मशीन से, ये देखो पूरी मेहनत होती है गाइस इसमें भी। ये सही है, यहाँ से निकल गया ऐसे, अगर इसके बीच में उंगली रख दो ये सही था, ऐसे करके सारा जूस, मेहनत लगती है इसमें तो जूस सही निकल जाता है। उसको मत कर हल्कू, केक केक वो हल्क पकड़ लेगा केक को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर दीपांशु, हैप्पी बर्थडे। खा लिया, जल्दी खा लिया, चलो जल्दी से भूख लग रही है बहुत तेज। आ गई हमारी दाल मखनी और नान आ चुके हैं। पापा की बहुत ही मजा, तो भाई खाना वाना खा लिया, बहुत ही मजा आया। चलो भाई चलो चलो जल्दी बैठो बैठो, उधर सर को पापा उधर सर को, चलो भाई चलो गाइस अब घर चलते हैं। चलो भाई हल्क झूल लो झूल लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ शांत। बाय बाय, चलो भाई बाय बाय।